शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल विपक्षी महागठबंधन की मुंबई में तीसरी और अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जैसा कि माना जा रहा है, जैसी उम्मीद लगाई जा रही है, विपक्षी महागठबंधन जो है वो अपने संयोजक का ऐलान करेगा। लेकिन विपक्ष की नीतियां क्या होंगी बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए उनकी नीतियां क्या होंगी, उसको लेकर अभी भी बड़े सारे सवाल देश के सामने हैं। हालांकि कहने के लिए कहा जाता है संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, लेकिन सब जानते हैं कि संविधान और देश बचाने की लड़ाई जो है वो नहीं है। दरअसल ये सत्ता की लड़ाई है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में भी हर पार्टी के पास अपने अपने मुद्दे तो होते हैं, अहम मसले तो होते हैं जिन पर तमाम राजनीतिक पार्टियां फोकस करती हैं। सवाल यह है कि विपक्षी महागठबंधन जो इंडी अलायंस है, INDIA जो विपक्षी अलायंस है, उसके मुद्दे क्या हैं। हालांकि कल की बैठक के बाद शायद इस बारे में कुछ स्पष्टता मिले, लेकिन उससे पहले विपक्षी महागठबंधन के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा दौड़ भाग की, नीतीश कुमार, उनके राज्य बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है जो आज एक बड़ा एजेंडा बन गया है। बिहार से बड़ी खबर यह आई है कि बिहार में जो सरकारी छुट्टियां हैं उन छुट्टियों में एक बड़ी कटौती कर दी गई है। कहा तो यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि यह जो सरकारी छुट्टियों में कमी की गई है, कटौती की गई है, इसके पीछे दरअसल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का भाव है। लेकिन बीजेपी ने इन जो छुट्टियों की जो कटौती हुई, जो छुट्टियों की छुट्टी की गई, उसकी जब लिस्ट निकाली तो यह सवाल उठाया कि ये जो कटौती की कैंची चली है वो सिर्फ एक धर्म पर, यानी हिंदुओं की छुट्टियों पर, या फिर कह सकते हैं कि ईसाइयों की छुट्टी पर, सिखों की छुट्टी पर चली है, लेकिन एक मजहब विशेष को क्या दरअसल जो है तुष्टीकरण के नाते एक एस्केप रूट दिया गया है। यह सवाल बीजेपी ने उठाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो साफ हल्ला बोला नीतीश सरकार पर और कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है और यह हिंदुओं के धर्म जो है, हिंदुओं की जो पर्व हैं उनके ऊपर आघात किया गया है। इसी को लेकर बिहार में मचा बवाल है, उठ रहे सवाल है, और दो टूक में आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार के लोगों को रक्षाबंधन के पर्व पर एक विचित्र उपहार दे दिया। नीतीश की सरकार ने सालाना सरकारी छुट्टियों में बड़ी कटौती करने का ऐलान किया है। अब से लेकर दिसंबर तक विभिन्न पर्व त्योहारों की 23 छुट्टियां थी, जिसे घटाकर 11 कर दिया गया है। नए फरमान के अनुसार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज और गुरु नानक देव जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। और तो और, बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। बिहार सरकार का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई सुधारने के लिए छुट्टियों में कटौती की गई है, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हल्ला बोल दिया है और कहा कि जानबूझकर सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियों में कटौती की गई है। बिहार की सरकार पहले से ही मुस्लिम परस्त राजनीति करते रही है। मीडिया ने उजागर किया कि कई जिलों के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती, जबकि बिहार के अन्य स्कूलों में, दफ्तरों में, देश में रविवार को छुट्टी होती। सिम्मी लालू जी के समय में हेडक्वार्टर था, और ये कहना कि शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए
तो मैं पूछता हूँ कि आप जो लगाते हैं जनगणना में, चाहे जातीय हो चाहे जो हो, आप लगाते पोलियो में, क्यों नहीं इसके लिए दूसरे को लगाते? इन बच्चों को अपने संस्कृति से दूर रखना चाहते हैं। आप में हिम्मत है कि आप किसी मुस्लिम छुट्टियों को इस ढंग से काटे? तो ये एक तरह से साजिश है और शरिया कानून के तहत वोट की राजनीति में ये सरकार जा रही है। उनको शराब ढूंढने का भी काम करवाइएगा, गणनाओं में भी आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा, और जो उनका अधिकार है उसमें भी आप सेंधमारी कीजिएगा। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या? क्योंकि शिक्षकों ने रह रहकर समय समय पर अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया। भाई अब इसी को तो तुष्टिकरण की राजनीति बोलेंगे ना भाई? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये करते तो हैं ही, और जिस गठबंधन में है कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई वो लोग सिर्फ जाति सांप्रदायिकता इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग खेलने का ये लोग काम करते हैं। पर ऐसे में सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर कर, उसकी छुट्टियों को कर कर, आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के हमलों पर नीतीश के करीबी मंत्री ने कहा कि जब हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां ज्यादा हैं तो कटौती भी उनमें ही की जाएगी। इनको लगता है कि ये गलत है क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो हिंदू धर्म में ज्यादा हैं, तो नेचुरली जब छुट्टियां को आप उसको कम करना होगा और आपको बढ़ाना होगा तो कम भी हिंदू धर्म के ही छुट्टियां कम होंगी। इस बीच स्कूलों के शिक्षकों में भी नीतीश सरकार के इस फैसले से खासा रोष है। ये तो लग रहा है कि सरकार ज्यादती कर रही है हम लोग के साथ, बहुत ज्यादा। इसमें विचार क्या देना है, ये तो सब जान रहे हैं, ये सब दुखी ही होते हैं इससे। और सबसे तो कि दीपावली की छुट्टी, छठ जैसे महापर्व में एक दिन संडे है और एक दिन छुट्टी दे रहा है। दीपावली संडे पर रहा है, उसको भी छुट्टी में लिखा हुआ है लिस्ट में, तो ये तो संडे है तो हम लोग की छुट्टी तो वैसे भी। महिलाओं का जो पर्व त्योहार है ना, उस महिला शिक्षक भी, हाँ महिला, जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, निर्जला पर्व होता है छठ, तो वहाँ पर कहे कि शहरी विद्यालय में महिलाओं की संख्या 50% से ज़्यादा होती है, और वैसे स्थिति में अगर महिलाएं छुट्टी लेकर के छठ पर्व मनाएंगी तो फिर लोड तो पड़ेगा। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षाबंधन का छुट्टी को स्थगित कर दिया गया है। दीपावली, दशहरा, छठ, तो क्या छठ का व्रत रख के हम लोग स्कूल आएंगे? तो इससे हम लोग बहुत मतलब दुखी हैं। और रहा छुट्टी का सवाल, तो सामान्य रूप से रखा जाए। सारे मुस्लिम का त्यौहार में तो छुट्टी की कटौती नहीं हुई है, फिर हिंदुओं के त्यौहार में छुट्टी की कटौती क्यों गई? तो रिपोर्ट थी, और सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि राज्य के जो तमाम शिक्षक हैं, आपने सुना कि शिक्षक जो हैं वो भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। और दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नीतीश सरकार ने जारी किया छुट्टियों में कटौती का फरमान, छुट्टियों की छुट्टी से बिहार में क्यों मचा घमासान? सवाल एक बार फिर सुनिए, नीतीश सरकार ने जारी किया छुट्टियों में कटौती का फरमान, छुट्टियों की छुट्टी से बिहार में क्यों मचा घमासान? यह मेरा सवाल है। और इस डिबेट में, आज की इस चर्चा में मेरे साथ चार मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ा शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनुप्रिया जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ संजय सराफ जी जुड़े हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरएलजेपी के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शहजाद पूनावाला जी, तमाम बिहार के मंत्री, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो शिक्षा बिहार की जो है बेहतर करनी है और उसके लिए ये कटौती की गई है, लेकिन बीजेपी इस छुट्टियों में भी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ला रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री है बिहार के। 2023 में यदि ये फतवा लाया जा रहा है तो इसका मतलब कि पिछले 18 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया नीतीश जी ने, और कल रात को ही उनको समझा कि किस प्रकार से इसको सुधारना है, तो उसको आज सुधार लिया गया। ये फतवा है
और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सोचिए, दिवाली पर बच्चे स्कूल जाएंगे, छठ पूजा पर बच्चे और टीचर स्कूल जाएंगे, जन्माष्टमी पर स्कूल जाएंगे, परंतु रमज़ान में आधे दिन की छुट्टी मिलकर पूरा स्टाफ वापस आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या रमज़ान के समय पर यह हाफ डे दिया जा रहा है या फ्राइडे के दिन को छुट्टी घोषित किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, संडे घोषित होती है छुट्टियाँ, तो वो कैसे होता है? हम केवल इतना कह रहे हैं कि ये भेदभाव का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, डीएनए है, इसका थोड़ा सा आप पीछे बैकग्राउंड देखिए। ये लगातार जो है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को अपमानित करो, दो गाली और हिंदुओं के साथ करो अन्याय, ये एक लंबा पैटर्न है। आप देखिए, तीन चार दिन की घटना बताता हूँ, पुरानी नहीं। IUML ने हिंदुओं को धमकी दी, इनके गठबंधन की बातें बता रहा हूँ, कि ना कासरगोड में धमकियां दी कि हम इनको लटका देंगे, मार देंगे, कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर समाजवादी पार्टी के नेता मौर्य जी ने जिस प्रकार से कहा हिंदू धर्म ही धोखा है, हिंदू धर्म जो है वो फर्जी है, और आज जो है, आज आ गए हैं नीतीश बाबू और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिस प्रकार का ये फतवा निकाल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस प्रकार से कर्नाटका में धर्मांतरण कानून वापस ले लेंगे, गौकशी का कानून वापस ले लेंगे। तो ये मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ कैप, कैप मतलब वो पहनने वाली नहीं, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। कौन सबसे बड़ा तुष्टिकरण का भाईजान, जिसकी चलेगी वोट बैंक की दुकान, इसके तहत ये फतवा लाया गया है। अन्यथा मुझे बताइए, जेडीयू की प्रवक्ता यहाँ पर बैठी है, नवरात्र में भी तो पर्व में भी तो वो व्रत होता है ना, नवरात्र का वो एक आदेश दिखा दो 2023 में, जब उन्होंने कहा हो कि देखिए, या 2022 का, कि बताइए अब नवरात्र आ रहे हैं, हाफ डे ले लीजिए, एक दिखा दीजिए, मैं अपनी बोलती बंद कर दूंगा। ठीक, आपको लग रहा है कि ये पूरा एजेंडा जो आपने कई घटनाओं को जोड़ा, पिछली कई घटनाओं को, आपको लगता है ये पूरा जो इंडिया अलायंस है, ये दरअसल उसका एजेंडा है तुष्टिकरण का, ऐसा शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं। अनुप्रिया जी, कल मुंबई में बैठक है, क्या ये पूरा एजेंडा है, कर्नाटक से शुरू होता है और उसके बाद आपके कई नेताओं के बयान, बिहार की भी ऐसी कई घटनाएं एक के बाद एक हैं जो जिस तरफ इशारा कर रहा है, जिस तरफ शहजाद पूनावाला जी ने इशारा किया, तो अगर एजेंडा यही है तो खुलकर कहिए कि हाँ एजेंडा है। अशोक जी, बहुत ही आश्चर्य होता है कि शिक्षा के अधिकार को भी अब राजनीति का इन्होंने एक अखाड़ा बना दिया है। कि आपको यह पता होगा अशोक जी और पुणेवाला जी को भी पता होगा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कि प्राइमरी स्कूल में 200 दिनों की कार्य की बात की जाती है और सेकेंडरी में 220 डेज की, कि इतने दिन शैक्षणिक कार्य होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश से सरकारी, मैं कहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालय में जो है, अगर शिक्षक जो वर्किंग डे है वो कम हुई है, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि जो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उस कारण से भी छुट्टियां होती हैं, गर्मी हो गई छुट्टी हो गई, ठंड के दिन आ गए छुट्टी हो गई, तो जो कटौती की गई है इसलिए की गई है कि जो छुट्टियों के दिन है वो ज्यादा नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, क्योंकि किसी भी राज्य का भविष्य जो होता है वो वहां का छात्र होता है, नौनिहाल होते हैं, उनको अगर शिक्षा अगर सही मिले तो वो ज्यादा। और आप कह रहे रक्षाबंधन की बात कह रहे हैं, रक्षाबंधन की बात, ये तो अच्छी बात है कि रक्षाबंधन के दिन में हम अपने जो एक संस्कार होता है कि हम भाइयों को राखी बांधते हैं, ये नेचुरल एक होना चाहिए कि हम अपने आसपास में भी लोगों को इस तरह से नजर से देखें कि भाई बहन का एक वातारूप हो। लेकिन गिरिराज सिंह जी को यही बोलना है क्योंकि इनको लगता है कि तुष्टिकरण की राजनीति होती है। लेकिन यूपी में जब एक शिक्षक के द्वारा यह कह करके बच्चे को पीटा जाए कि वो मोहम्मदन है, उसको मारो, मोहम्मदन में माओ को एक मानसिकता के रूप में पीटा जाए, तब उनकी राजनीति, तब वो कुछ नहीं बोले, उनको चुप्पी वहां रखना है। तुष्टिकरण की राजनीति तो वहां हो रही है कि आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया उस शिक्षक के घर पे कि उन्होंने किसी बच्चे को क्यों ऐसे पीटा, क्योंकि एक धर्म से वो आता है। आप यह कह दीजिए गिरिराज सिंह जी कि आपको देश में गैर हिंदू जितने भी समाज के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनसे आपको नफरत है। अनुप्रिया जी, आपने इसको शिक्षा के अधिकार से जोड़ा, शहजाद एक मिनट रुकिएगा, शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, आपने जो कहा आपने इसको शिक्षा के अधिकार से जोड़ा कि जाहिर सी बात है शिक्षा के अधिकार, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें जो है आप कह रही हैं कि छुट्टियां उसमें कम की गई हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मेरी समझ है, शिक्षा का अधिकार जो है और नई शिक्षा नीति पूरे देश भर में लागू हुई है, लेकिन ये जो आदेश आया है जिसको शहजाद पूनावाला फतवा कह रहे हैं, ये आदेश सिर्फ बिहार से आया, मैंने किसी और राज्य से अभी तक देखा नहीं कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, बहुत अच्छी बात कही आपने
कि भाई जन्म रक्षाबंधन पे लोगों बच्चे स्कूल जाएं, घर की बजाय वो बच्चे स्कूल जाएं और सबको आसपास सबको राखी बांधें, सबसे बंधवाएं। जन्माष्टमी मुझे याद है हम लोग झांकियां बनाते थे मंदिरों में जा जाकर, अब वो उसकी जरूरत नहीं है, आप स्कूल जाएं, स्कूल में झांकी बना सकते हैं। और इसी तरह से गुरु नानक देव और क्रिसमस की, इसकी छुट्टियों की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे लगता है ईद पर भी लोगों को स्कूल जाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, क्योंकि फिर तो सबके लिए, फिर दिवाली पर भी स्कूल जाएं, वहीं दिए जलाएं, छुट्टियों की अगर जरूरत नहीं। हालांकि मैं छुट्टी का, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो किसी दिन छुट्टी नहीं लेते, लेकिन मैं उन बच्चों के बिहाफ पे, उन स्कूल टीचरों के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ जिन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन शहजाद जी वो कह रही कि भाई शिक्षा का अधिकार है, छुट्टी में कटौती की गई, आप लोग अननेसेसरी इसमें जो है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ढूंढ रहे हैं। तो चलिए ना, फिर सारी संडे की छुट्टियां खत्म कर दो, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, संडे की छुट्टी खत्म कर दो, ना इसको बुरा लगेगा ना उसको बुरा लगेगा। अगर यही सोच होती, नौनिहालों के भविष्य की सोच होती, तो जो शिक्षक अपने अधिकार मांगने गए थे उनको पीटते क्या? अच्छा, नौनिहालों के भविष्य की बात हो रही होगी कि रामचरितमानस जो है उसके बारे में जो भी चंद्रशेखर जी ने कहा है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मस्जिद में लिखी गई है, अब ये भी उनके भविष्य के लिए ही होगा। और मैं तो केवल एक ही चीज़ पूछता हूँ, देखो यहाँ पर भी तुष्टिकरण का कैसा परिचय दिया उन्होंने, जिस घटना का जिक्र किया उसमें तो साफ हो गया परिवार से, वीडियो बनाने वाले से और पुलिस से कि उसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था, परंतु एक बच्चे ने बोर्ड पर जय श्री राम लिखा, उसको एक मुस्लिम टीचर ने मारा। अब मुझे बता दीजिए कि इनके पूरे इकोसिस्टम ने एक भी इस पर आवाज़ उठाई हो, क्योंकि धर्म देखकर पीड़ित का और धर्म देखकर जो ऑब्रेसर है उसका, उसको देखकर ही तो इनका आक्रोश तय होता है, या उनका आक्रोश तय होता है कि किस राज्य में हो रहा है, या उनका आक्रोश तय होता है कि इसमें मेरे तुष्टिकरण करने से वोट बैंक का कितना फायदा है। मैं पूछना चाहता हूं अनुप्रिया जी, आपको छुट्टियों की इतनी चिंता है, परवाह है, इतने सालों से तो नहीं थी, आप बता दीजिए कि संडे के दिन को क्यों नहीं तय करते? वैसे संडे का दिन कर दीजिए, मैं अनुप्रिया जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मैं एक बात, मैं अभी जो मुजफ्फरनगर में घटना हुई या कठुआ में जो हुई, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता मेरा, क्योंकि वो डिबेट एक अलग डिबेट हो जाएगी और मैं उस पर डिबेट कर चुका हूं, और उस डिबेट में ये मैंने तमाम तथ्य रखे थे, जो बच्चे हैं स्कूल के मुजफ्फरनगर के, उनके जो उनके पेरेंट्स थे और साथ साथ गांव के जो लोग थे, उन सब ने कहा हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। और अनुप्रिया जी आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, आज जो सामने बात आई है, ये जो मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर जो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, इसके मैक्सिमम ट्वीट और इसके मैक्सिमम जो एजेंडा शुरुआत किया गया इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का, वो पाकिस्तान की तरफ से आया सोशल मीडिया पर, ये बात आज सामने आई है कि इसमें 90% जो ट्वीट हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के, और जो शुरुआत हुई वो पाकिस्तान से हुई थी। ये मैं सोशल मीडिया पर जो तमाम जानकारी खंगाल कर सामने आई है, स्पेशलिस्ट ने जो जानकारी रखी है वो रखी है। लेकिन मैं विषय पर आता हूँ अनुप्रिया जी, रविवार का वो कह रहे हैं कि भाई अगर छुट्टी कटौती करनी है तो रविवार कर दीजिए। अशोक जी, मुझे लगता है कि शहजाद पुणे वाले जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो फ्राइडे का उन्होंने छुट्टी की बात की, ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात थी, और जैसे ही शिक्षा विभाग के ये जानकारी में आई है वहां पे वो कार्य हो गई है, सरकारी छुट्टी वो संडे को ही होती है। अब रहा आपने कहा दीपावली और छठ की बात है, छठ में छुट्टी काटी नहीं गई है, वो गैप होता है दीपावली से छठ में, क्योंकि छठ बिहार का एक महापर्व है, तो जो गैप होता है उस गैप की छुट्टी को कम किया गया, छठ की छुट्टी और दीपावली की छुट्टी नहीं काटी गई। मैंने रक्षाबंधन पर्व के बारे में कहा कि एक सौहार्द होगा जहां हम एक वातावरण तैयार करेंगे जहां के आपसी भाईचारे के भी सिस्टम होंगे, कि जो स्कूल की छुट्टी होगी, ये जो पर्व है रक्षाबंधन, जिसमें सभी धर्म के लोग आएंगे, लेकिन इतनी परेशानी सिर्फ मुस्लिम पर्व को लेकर के ही क्यों है बीजेपी को? और आपने जो मुझसे पूछा कि आप, मैंने पूछे कि जब आप मुजफ्फरनगर की जो घटना थी, कहां बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे? गिरिराज सिंह जी तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको ये सूट करता है कि उनकी एक मानसिकता दिखती है कि गैर हिंदू जितने भी आप लोग कठुआ में क्यों नहीं बोले, इनसे अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, वही 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 मैंने पहले ही कहा, अनुप्रिया जी सुनिए, मैंने पहले ही कहा मैं मुजफ्फरनगर और कठुआ पे डिबेट नहीं करना चाहता, मैंने तथ्य सामने रखे, लेकिन जब आप कहती हैं कि वो मुजफ्फरनगर पे नहीं बोले, तो फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है आप लोग कठुआ पे क्यों नहीं बोले? नहीं नहीं, धर्म नहीं तो कह रहे ना कि इनको यह नहीं दिखता है अशोक जी कि बिहार में 1,74,000 शिक्षकों की बहाली की भर्ती की घोषणा हुई, एग्जामिनेशन भी हो गए हैं, इतनी बड़ी बहाली किसी राज्य में नहीं है, और इनको पता होना चाहिए कि बगल के राज्य जो है यूपी के लोग 3-4। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी मैंने सिर्फ बीजेपी ने जो कहा मैंने वो सुनाया अपनी रिपोर्ट में, मैंने आपको, मैं एक मिनट, मैंने आपको 3 शिक्षकों का बयान भी सुनवाए,
और उसमें जो आप छठ की बात कर रही हैं उनमें महिला शिक्षकों ने कहा कि छठ पे जो छुट्टी की कटौती की गई है उससे हमें तकलीफ होगी। और आप तो बिहार की हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि छठ जो है वो महापर्व होता है और छठ कितना कठिन व्रत होता है। हम तो दिल्ली में हैं, हम देखते हैं दिल्ली में छठ से कम एक हफ्ता पहले दिल्ली के जितने बिहार में काम करने वाले कामगार हैं, जितने बिहार के हमारे पत्रकार मित्र हैं, वो सब अपना झोला बिस्तर बांध के एक हफ्ते 10 दिन के लिए चले जाते हैं बिहार, क्योंकि इतना बड़ा महापर्व है। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा महापर्व है और ये बड़ा कठिन व्रत होता है। तो छठ को लेकर जो महिला टीचरों ने कहा वो मैंने आपको सुनाया, लेकिन महिला शिक्षकों की नियुक्ति मेरा मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ मुद्दे पर ही बात करें छुट्टियों को लेकर। आपने मुझे टोका, मैं आ रही थी अपने बात में कि हमने इतनी बड़ी बहाली के लिए लोगों का आमंत्रण किया, इन पे ये नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद हमने कहा उसमें भी कई ऐसे त्रुटि हो रही थी या मांग थी शिक्षकों की जगह, हमने हिटलर सा ही नहीं रखा है, अभी भी गुंजाइश है कि अगर शिक्षकों की जो मांग होगी हम सरकार में सभी के साथ लेके चलते हैं, कि अगर उनमें किसी भी तरह की परेशानी है तो गुंजाइश अभी यहाँ पे भी है कि सरकार उस पर फैसला करेगी। ये सरकार का फैसला नहीं है, ये शिक्षा विभाग के अपर सचिव का फैसला है। और शिक्षा मुख्यमंत्री जी वो देखेंगे अगर यह है कि जहां पे ऐसी जो भावना होगी कि जिसमें शिक्षकों की छुट्टी की बात है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ अशोक जी, हमें हमारा दायित्व यह है कि हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करें और उन्हें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आपको एक ब्रेकिंग भी आपको यह होगा, आपने कुछ दिनों पहले चलाया होगा कि के पाठक जी के आने से जो विद्यार्थी और शिक्षक जो विद्यालय में नजर नहीं आ रहे थे उस समय पे है 10 AM मतलब कि सुबह में 10 बजे सारे स्कूल में शिक्षक नजर आते हैं। अब किसी को भी किसी कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। यह है लगाम लगाना कि जहां पे सरकार इन्वेस्ट कर रही है उन परिवारों को कि जहां पे शिक्षा उनकी होनी चाहिए, तो कानून इस तरह से होता है और गुंजाइश अभी भी है सरकार की तरफ से और शिक्षक खुले हैं कि अपने मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। आपका छोटा सा कमेंट, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। ये कह रही है गुंजाइश अभी भी है, शिक्षा विभाग का फैसला है, गुंजाइश अभी भी है, लोगों की भावनाएं देखेंगे। और जो कह रही है कि शिक्षा विभाग में बड़े आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, हालांकि मैं आपको सही बताऊं तो मैंने आज एक बिहार के पत्रकार से बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार के जो शिक्षा सचिव हैं वो मंत्रियों की भी नहीं सुनते और उन्होंने अपने हिसाब से फैसला लिया। सरकार भी जो है अंदर ही अंदर खलबली है कि बिना हमारी जानकारी के, मुझे नहीं पता कितना सच्चाई, लेकिन बिहार के एक पत्रकार ने मुझे बताया कि जो शिक्षा सचिव है उन्होंने फैसला आनंद फानंद में ले लिया, सरकार को मालूम भी नहीं, पता भी है कि नहीं पता। जी देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है और वो भी उस उप मुख्यमंत्री के तहत जो खुद अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया और कहते हैं GDP में नंबर 1 है बिहार। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो नवरात्र के समय तो बहुत लोगों ने कहा था कि हमारा भी व्रत है, हमारा भी हाफ डे कर दो, तो ये नीतीश कुमार जी अपने सबका साथ वाले स्वभाव के साथ उन्होंने उस समय पर उसको क्यों मान्यता नहीं दी? और मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, लॉजिक की बात है, इसको सांप्रदायिक दृष्टि से मत देखिए, बिहार में ज्यादा लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे नॉट क्रिसमस, क्रिसमस की तो छुट्टी है पर कृष्ण जन्माष्टमी की नहीं है। तो मैं इनसे कहता हूं कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट में, जो कहते हैं ना जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो उस स्पिरिट में बोल दे कि क्या है, क्या वो जन्माष्टमी की छुट्टी दे दे और क्रिसमस की कैंसिल कर दे, क्या ऐसा सुझाव वो मानने को तैयार है क्या? अनुप्रिया जी बता दीजिए। ओके मैं प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता को और संजय सराफ जी को भी इस डिबेट में ले आऊं। प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता, ये तो है बिहार में बाकायदा ये जो शहजाद पूनावाला जो तमाम आरोप लगा रहे उसके पीछे एक आधार तो है, आधार यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रमजान के दिनों में बाकायदा बिहार सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जगह जगह ये ऑर्डर निकाले थे कि सरकारी दफ्तरों में जो लोग हैं वो आधे दिन के अवकाश पे जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने रमजान रखा है, रमजान पे तो आधे दिन का अवकाश उनको दिया जा रहा है। फिर जिस शिक्षा विभाग का ये आदेश है उसी शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, तो फिर क्यों ना माना जाए कि कहीं ना कहीं वो सोच जो है शिक्षा विभाग में महकमे में जो मंत्री बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनकी सोच दर्शा रहा है कि सीधा सीधा जो कटौती हुई है, कैंची चली है, वो हिंदुओं के त्योहारों पर ही चली है। अशोक जी, मैं पहले शहजाद पूनावाला का 2-3 में जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मेरे जो है सम्मानित नेता भी इन्होंने कटाक्ष किया है एजुकेशन को लेकर, तो इन्होंने बोला कि भाई फॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं है, लेकिन शायद शहजाद पूनावाले भूल गए कि फॉर्मल एजुकेशन ही सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है,
दुनिया के ऐसे अनेकों लीडर हैं, वाशिंगटन से लेकर अब्राहम लिंकन से लेकर चर्चिल की कितनी एजुकेशन थी, की तुलना अब्राहम लिंकन में जैकब जुमा है, सुन लीजिए ना शहजाद जी, तेजस्वी जी की तुलना आप अब्राहम लिंकन से कहें, वो उनका विषय है, वो तेजस्वी जी को अब्राहम लिंकन से कहें या किसी से, वो अमेरिका वाले बुरा ना मान जाए, वो उनका क्षेत्र अधिकार अपने शहजाद भाई, हाँ बोलिए बोलिए शहजाद भाई, अब मैं इंडिया पे आता हूँ, आपने आपको तो बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैंने लिंक कर दिया, यहाँ बात एजुकेशन की हो रही थी, आप डिग्री की बात कर रहे थे इसलिए मैंने लिंक किया। इंडिया में डीएमके के जो करुणानिधि थे कितने एजुकेटेड थे, जयललिता कितनी एजुकेटेड थी, आप जो इनको मंत्री बना रखे थे यहाँ पर साहनी जी, वो कितने एजुकेटेड थे। तो देखिए एजुकेशन पे मत जाइए पहली बात, दूसरी बात आप आइए मुद्दे पे, दूसरी बात आप आइए मुद्दे पे। देखिए मुद्दा जो है कि छुट्टियां कम हुई है, छुट्टियां खत्म नहीं हुई है। आपको ये जानकारी होगा कि दिवाली से छठ के बीच में छह दिन में ही, दिवाली के छठे दिन छठ होता है, छह दिन, लेकिन ये छुट्टियां नौ दिन की थी, ये कट करके पांच दिन किया गया है, तीन दिन का व्रत होता है तो उसमें है। इसी तरीके से दशहरा देखिए, छह दिन का छुट्टियां होती थी, दशहरा सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं, वो अभी भी छुट्टियां हैं। इसके बावजूद भी देखिए 30 जो है आरएच होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होते हैं, ले सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। इसके साथ साथ पांच स्पेशल हॉलीडे होते हैं, और वो पांच स्पेशल हॉलीडे कौन होते हैं, स्कूल या संस्था जो है क्लोज कर दे, जैसे आज राखी है, पूरे भारत में रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, कोई हॉलीडे नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, इसलिए क्योंकि स्पेशल हॉलीडे का उन्होंने प्रोविजन को यूटिलाइज किया और वो बंद हो गए। अब तीसरी बात मैं आता हूं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आप अगर जाइएगा तो पठन पाठन के प्रक्रिया में उन्होंने बोला है कि 220 दिन अनिवार्य है, क्योंकि जो सिलेबस है और जो बच्चे की जो मानसिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम से कम 220 दिन स्कूल में उनको आने से जो है कि इंटरेक्शन होता है और उससे वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में उनका जल्दी ग्रोथ होता है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसी के आधार पर संजय सराफ जी, इस पर तो डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं तो फिर कह रहा हूँ ये तो पूरे देश के लिए, पूरे देश से ऐसा विवाद नहीं आया, बिहार से ही आ रहा है ना, नहीं इसलिए बिहार से आ रहा है अशोक जी, बिहार से इसलिए आ रहा है कि पूरे देश में नौ दिन की छुट्टी दशहरे की कहीं नहीं होती है, छह दिन की छुट्टी दिवाली की कहीं नहीं होती है, और ये जो है पूरे देश में नहीं होता है। आ रहा हूँ संजय सराफ जी कह रहे हैं आपकी जानकारी गलत है, ओके, शहजाद पुणे वाले जो आप जो कह रहे हैं, जो अभी संजय सराफ जी, मैं संजय जी आपको मौका दूंगा उनकी बात पूरी हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इतनी जानकारी तो मुझे भी है कि दुर्गा पूजा की छुट्टियां पश्चिम बंगाल में 10 दिन की होती है, पूरे 10 दिन, बाकी मैं नहीं जानता। हाँ बोलिए संजय सराफ देखिए स्टेट वाइज जो है छुट्टियों का, जैसा कि मैंने आपको बोला कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, स्पेशल हॉलीडे है, इन सब का प्रावधान बना हुआ है, और इस सारे प्रावधानों में जो है आप छुट्टियां दे सकते हैं, ये स्कूल भी दे सकती है, इसमें कोई ये नहीं है। तो तार्किक तौर पर इस नोटिफिकेशन को ध्यान से एनालाइज करने की आवश्यकता है। एक पूनावाला जी ने एक बहुत बातें बोली कि बिहार में फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो देखिए किशनगंज में सरकार के नोटिस में आया कि 19 ऐसे स्कूल थे किशनगंज में जहां पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड थे, तो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट उन्होंने नोटिस भेजा बिहार सरकार को, और बिहार सरकार ने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। पूनावाला जी सर मैंने एक मिनट आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, एनसीपीसीआर ने जो नोटिस भेजा था उससे पहले ये मीडिया में खबर आई थी, और लोगों ने मीडिया में यही सवाल उठाया था, जो शिक्षा मंत्रालय इतना चिंतित है कि भैया वो देख रहे हैं कि नेशनल करिकुलम के हिसाब से, वो उस शिक्षा विभाग को ये पता नहीं था कि उसकी नाप के नीचे जो सरकारी स्कूल है वहां पे फ्राइडे को छुट्टियां हो रही हैं। ये सवाल मीडिया ने उठाया था जिसका जवाब मीडिया को आज तक नहीं मिला। अगर वो मीडिया में नहीं आती खबर तो शायद आज भी वहां फ्राइडे की छुट्टी होती। बिहार में अशोक जी, हाँ संजय जी मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिएगा, संजय भाई आप मैं कंप्लीट कर लूं, आपने एकदम सही बोला, ये 2022 की बात है, सितंबर की बात है, हमारी सरकार 2022 अगस्त में बनी थी, और हमारी सरकार का डेवलपमेंटल एजेंडा ही था जिसके तहत बिहार की जनता ने हमें इतना वोट दिया था, पढ़ाई दबाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई। तो जब से आप देखिए हम लोग आए हैं लगातार इसमें जो है तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है पढ़ाई के मामले में, और उसी का जो है आप देखिए विस्तार रूप से ये बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन एक बात और मैं जवाब देना चाहता हूँ संजय भाई का, यहाँ पे जो है क्योंकि ये प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर इन्होंने सुनिए, चरित्रमानस पे भी बात हुई,
नहीं, मेरा फर्ज बनता है, रामचरितमानस पे भी बात हुई तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का कोई विरोध नहीं है। राम हमारे जितने हैं, राम आपके और सबके उतने ही हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन रामचरितमानस में कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी हुई है जिसको लेके जो है क्लासिकल डिबेट भी अगर हो जाए तो परिवर्तित समाज में, पोस्ट मॉडर्न समाज में ऐसी पंक्तियों को कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें बाइबल में भी लिखी हुई है। सुबोध जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो आपको लगता है कि आपको लगता है इस मॉडर्न समाज में जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब पर आज डिबेट हो जानी चाहिए कि कौन सा धर्म ग्रंथ जो है आज की जरूरतों के हिसाब से है कि नहीं है? सिर्फ रामचरितमानस क्यों? हिम्मत है? नहीं, सुनिए सर, सुनिए, आपने एक बात बोली ना, आपने बड़े आसानी से कह दिया। अब अगर हिम्मत है तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जरा सभी धर्म ग्रंथों का नाम लेकर, अगर आप में हिम्मत है, साहस है, तो जरा सभी धर्म ग्रंथों का नाम लेकर कह दें कि उनको उन तमाम धर्म ग्रंथों में मॉडर्न जरूरत के हिसाब से, मॉडर्न माइंडसेट के हिसाब से उनमें परिवर्तन पर बहस हो। जरा कह दीजिए अगर हिम्मत हो तो। अशोक जी, आप मेरे बातों को ध्यान से नहीं, मैं आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। आपने बड़े मैंने आपकी बात सुबोध जी मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। आपने कहा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप जिस तरह की चीजें उसमें अगर क्लासिकल डिबेट हो जाए तो आप जरा हिम्मत करके जो बाकी धर्मों के धर्म ग्रंथ है उनमें से तीन धर्म ग्रंथों का नाम लेकर जरा हिम्मत करके, साहस करके कह दीजिए कि इन धर्म ग्रंथों पर मॉडर्न हिसाब से डिबेट होनी चाहिए। कह दीजिए, हिम्मत है तो। अशोक जी, अब देखिए, अब आपने बोल लिया, अब मुझे बोलने दीजिए। मेरी बातों को आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला जितने भी क्लासिकल राइटिंग सब नाम लेके बोलिए ना, और उसके रामचरितमानस का नाम लिया आपको। सर सुनिए, सर सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं इस डिबेट को, मैं संजय जी आ रहा हूँ आपके, संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, संजय जी मैं आपके, देखिए मैं कोई भड़काऊ डिबेट नहीं, सुनिए संजय जी मेरी बात सुनिए, मैं कोई भड़काऊ डिबेट नहीं करना चाहता। और हम शिक्षा मंत्री के बयान तक डिबेट इसलिए चली गई क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया था, और आप इस बयान से एक पल्ला ये कहकर झाड़ सकते थे कि भाई उनके बयान से हम सहमत नहीं है। लेकिन आप इस डिबेट को सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, संजय एक मिनट सुनिए सर, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन आप डिबेट को जहां ले जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक ट्रेंड पे ले जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप एक दो धर्म ग्रंथों का नाम लेंगे सर तन से जुदा की लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा। इसलिए वो मैं नहीं चाहता कि मेरी डिबेट से कोई सर तन से जुदा की डिबेट शुरू हो। मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं इस डिबेट को वहां नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आपने जो कहा बड़ी खतरनाक बात कही, उससे प्लीज बचिए। संजय सर, आप रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए रुकिए, अब संजय सर आप जी को मैं आपको मौका दूंगा। संजय सर आप जी, संजय सर आप जी, वो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको क्यों परेशानी है उससे? श्रीवास्तव जी, मैं आपसे हैंड फोल्डेड गुजारिश करना चाहता हूं, आप एक काम कर लीजिए, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं छुट्टियों के पीछे, आप एक सर्वे करिए पूरे बिहार का और बिहार के स्कूलों का सर्वे करिए, वहां देखिए स्कूलों की स्थिति कैसी है, कितनी नाजुक और कितनी बुरी सिटी है स्कूलों में, जहाँ बच्चों के लिए कार्डबोर्ड नहीं है, बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है, बच्चों के टॉयलेट नहीं है, और ये बात कर रहे हैं छुट्टियों की, एक पर्टिकुलर कास्ट फैक्टर को खुश करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ द वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल तक ये सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं, जब सेंसर में इनको कुछ मिला नहीं वहां पर भी एक्सपोज हो गए। प्रैक्टिकल शेप में बिहार की व्यवस्था इनसे प्रॉपर तरीके से देखी नहीं जा रही है। आज बिहार में, आज एज पर द एसएसपी रिपोर्ट ऑफ पटना, हर दिन एक आदमी मारा जा रहा है, 30 दिन में 30 लोग मारे गए, उस चीज की इनको नजर नहीं आ रहा है। कितना जंगल 2 जंगल 3 बना हुआ है पूरे बिहार में, एक डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूं, पटना डिस्ट्रिक्ट की, पटना के बगैर में बाहर में देखिए हर दिन कत्ल हो रहा है, जहां पर कहीं दिख रहे हैं वहां पर बेचारे में लोग मारे जा रहे हैं, जो गवाह कोर्ट में जाना चाहता है उससे पहले ही गवाह को मारा जाता है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे डाइवर्ट करना चाहते हैं इश्यूज को, आप देखिए। ये हर वक्त, आज ही नहीं है, ये नीतीश बाबू वही नीतीश बाबू है जिन्होंने कल दलित को महादलित बनाने का काम कर दिया, पिछड़े को अति पिछड़े बनाने का काम कर दिया, उस वक्त वो नौटंकी कर ली, आज ये नौटंकी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल शेप में ये अपना डाटा लेकर सामने आ जाए, जहां इनका डिप्टी सीएम, जो मेरे भाई शहजाद भाई ने खुद ही बोला कि वो क्या है, हम सबको पता है वो कितना पढ़ा लिखा है, वो जीडीपी नंबर 2 पर ला रहा है, किस फैक्टर में जीडीपी को नंबर 2 पर ला रहा है, क्या वो बिजनेस एनालिटिक के प्रोसेस से जीडीपी को नंबर 2 पर ला रहा है, या खुद नंबर 2 पर बिहार में उस हिसाब से नंबर 2 जीडीपी का ला रहा है बिहार। ओके ओके ओके, तो आप कह रहे हैं शिक्षा, ये बड़ी, ये बड़ी,
संजय सर आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अगर देखें पहले सबसे मेन चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को पहले तैयार करें जहां बच्चे पढ़ने का काम करें फिर उसके बाद क्योंकि देखिए लास्ट में श्रीवास्तव जी बच्चों के लिए चाहे वो छठ पूजा है चाहे वो हकीकत में ईद है शिवरात्रि है दीपावली उन विचारों के लिए सब एक समान होता है और हमारी बहन वहां से कह रही थी हम रक्षाबंधन में राखी बांधने का काम करेंगे। अरे भाई आप तो बांटने का काम कर रहे हो, आप कहां बांटने का जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर बांटने का ही अगर आपको साथ में जोड़ने का काम आपने बहुत अच्छी बात बोली ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ईद को भी गले मिलाने का काम करें, शिवरात्रि को भी खोले हम नहीं कह रहे सर गुरु नानक जी का तो वैसे ही उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी है okay. तो ये सब चीजों को इनको ये नहीं पता है छठ पूजा का कितना महत्व है okay. पूरे देश दुनिया में हर जगह कितने दिनों की छुट्टियां होती है okay. किस तरीके से छठ पूजा में छठ मैया को किस तरीके से okay. पूजा जाता है ओके okay, संजय जी एक सिर्फ मैं छोटा हाँ, रुकिएगा मैं आप मौका दूंगा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना लेकिन मैं एक छोटा सा अनुभव साझा कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों जब अमेरिका गया था तो मुझे अमेरिका में जो भारतवंशी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर के आसपास छोटे छोटे तालाब बनाए हैं और वो छोटे छोटे तालाब में अमेरिका में बसे भारतवंशी छठ का जो इतना मुश्किल व्रत होता है वो पूरे दिन व्रत रखते हैं छठ मैया की पूजा करते हैं। तो छठ का महत्व बिहार के लिए क्या है, बिहार नहीं बल्कि भारत के लिए आज क्या है। आज तो पूरे देश में छठ मैया का पर्व मनाया जाता है लेकिन जो छुट्टी में छठ मैया की उसमें कटौती की गई है तो सवाल है उस पर सवाल उठ रहे बिहार की तरफ से लाजमी है। इन सवाल को आप ये कह के नहीं पीछा छुड़ा सकते कि स्कूलों की दशा और स्कूलों की शिक्षा को एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए किया गया। मैं आऊंगा इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा डिबेट जारी रहेगी। छुट्टियों की छुट्टी पर जो उठा है सवाल बवाल उस पर चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। प्रीम कार है मेरी, म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख लाइफ में तेरा जो भी गोल हो बड़ा या छोटा उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं छुट्टियों की छुट्टी या तुष्टिकरण की घुट्टी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफी देगा बिहार में जिस तरह से छुट्टियों में कटौती की गई है उसको लेकर बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा है कि दरअसल एक ही धर्म के लोगों की छुट्टियां जो हैं वो काटी जा रही हैं, कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति है और इसको लेकर के नीतीश सरकार पर सवाल उठ गए हैं। और फिर बड़ी बात ये भी है जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि कल जो है इंडिया अलायंस जो है INDIA जो विपक्ष का अलायंस है उसकी बैठक भी है तो बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है क्या दरअसल इनकी जो नीति है जो कर्नाटक में शुरू हुई थी धर्मांतरण कानून रद्द करने से गोकशी को जो है उस पर छूट देने से क्या ये वही एजेंडा है जो पूरे देश में चलाया जा रहा है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शहजाद पूनावाला बीजेपी से, अनुप्रिया मेरे साथ जुड़ी हुई हैं JDU की प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता RJD के प्रवक्ता हैं, संजय सराफ RLJP के प्रवक्ता हैं। अनुप्रिया जी जो संजय सराफ जी ने कहा कि स्कूलों की स्थिति वहां पर बेहतर नहीं है, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और इसमें ये कोई डिबेट का विषय नहीं हो सकता और मैं ये कहता हूं ये बिहार और साथ साथ मैं कहूंगा कई अन्य राज्यों की स्थिति भी ऐसी होगी। मैं नहीं कहता अकेले बिहार की स्थिति ऐसी है, कई अन्य राज्यों की स्थिति ऐसी होगी लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त फोकस तो इस पर होना चाहिए था कि भाई किस तरह से वहां पर हम शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत बाकी चीजें लागू करें लेकिन अननेसेसरी ये विवाद खड़ा कर दिया गया। अशोक जी मैं सुन रही थी लोजपा की प्रवक्ता को, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई स्ट्रक्चर के बारे में। मैं कहती हूँ कि आप आ जाइए बिहार में, वहां से दिल्ली स्टूडियो से बैठ के बोलने से अच्छा बिहार में आइए
और मैं आपकी टीम को भी स्वागत करती हूँ डीडी न्यूज के, कि आप आइए और सर्वे कीजिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार चिंतित है और सरकार के तहत किस तरह की कार्रवाई हुई है। मैंने कहा कि हर हम समस्या पे बात करते हैं, शिक्षकों का होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए इतनी भारी संख्या में बहाली भी आई है। लेकिन कुछ देर पहले अभी डिग्री की बात हो रही थी, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन छेड़ा इन्होंने है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री से आपने पास किया है। मुझे नहीं लगता है कि देश में किसी भी विश्वविद्यालय में यह सब्जेक्ट है। स्मृति ईरानी जी अपनी डिग्री बता नहीं पाते हैं, तो आप डिग्री की बात तो ना ही करिए। और बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आपको पता है सरदार जी, उनकी डिग्री पर विवाद बहुत पहले हो चुकी है, और आप देखिए कहीं ऐसा नहीं कि वो सलाखों के पीछे हो, तो वहां भी चिंता कर दीजिए। लेकिन अशोक जी, आपकी एक बात जो मैं आपको कह रही हूं, आपने कहा अशोक जी, मैं आ जाऊंगी, मुझे मौका दूंगा। आपने जो सवाल उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैंने पहले ही कहा मैं मुजफ्फरनगर कठुआ डिग्री पे डिबेट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर प्रवक्ता इसमें इंटरेस्टेड है तो शहजाद आपको रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस आप बताइएगा कहाँ पे। देखिए अनुप्रिया जी, मुझे पता है कि मुझे पता है कि गुजरात की हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपका चयनात्मक कमिटमेंट ही है, तो यदि वो फैसला सुनाते इसी विषय पर और सारी बातों को स्पष्ट करते तो आपका भरोसा नहीं है, और इसीलिए तो आपके पास सारी डिग्रियां हैं। करप्शन की डिग्री है आपके पास, परिवारवाद की डिग्री है आपके पास, डिग्री आपके पास, ये डिग्रियां कहाँ है? प्रधानमंत्री जी के पास एक को डिग्री नहीं है, ये तीनों डिग्री आपके पास है। अब सुन लीजिए, अब देखिए अनुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए चरित्र क्या है? रिस्पॉन्स कर दिया, देखिए हाँ मैंने रिस्पॉन्ड ही किया है, सारी डिग्रियां आपके पास है, ये डीबीटी की डिग्री आप ही के पास है ना, डायनेस्टी भ्रष्टाचार तुष्टिकरण ऐसी डिग्री है ही नहीं प्रधानमंत्री के पास, कहां से दिखाई नहीं है हमारे पास। अब सुन लीजिए, एंटायर पॉलिटिकल करप्शन की डिग्री, एंटायर पॉलिटिकल फैमिली पॉलिटिक्स की डिग्री और एंटायर पॉलिटिकल अपीजमेंट की डिग्री, ये तीनों आपके पास है। अब सुनिए, एक के बाद एक मैं अनुप्रिया जी, मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, आपकी जो पूरी मानसिकता है वो कोई उसमें तुष्टिकरण का भाव नहीं है, तो मैं आपसे तीन चार सवाल पूछ लेता हूँ। जब पीएफआई पर प्रतिबंध हुआ उसका विरोध आरजेडी ने क्यों किया? सिमी पर जब प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा तो लालू जी उसके पक्ष में खड़े थे कि ये तो मासूमों का झुंड है। अब बता दीजिए तुष्टिकरण है या नहीं है। इशरत जो डिक्लेयर्ड आतंकवादी थी और यूपीए की सरकार के द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी थी, उसको किसने कहा कि ये बिहार की बेटी है, ये तुष्टिकरण है या नहीं है? अच्छा, जब रामनवमी में हिंसा होती है तो एक समुदाय से तो मिला जाता है, एक समुदाय को ममता दीदी क्लीन चिट भी दे देती है, परंतु दूसरे समुदाय के लोगों से क्यों नहीं मिलते आप लोग? क्या उस समुदाय में हमले नहीं हुए थे? और आखिरी बात, मौर्य जी ने अब कल कहा है, आप तो कह रही है ना, प्रभु श्री राम की भी स्तुति की है प्रोफेसर साहब ने, हिंदू धर्म धोखा होता है। अब इस पर स्टैंड ले लीजिए आप लोग कि नहीं जाएंगे मुंबई में कल, यदि ये तुष्टिकरण का एजेंडा आपका मेन एजेंडा नहीं है तो बोलिए कि हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। प्रोफेसर साहब ले ले एक बार स्टैंड, आप ले ले, बोलिए 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 अनुप्रिया जी। चलिए, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे सहजाद जी मुझे, कि परिवारवाद की बात आप तो नहीं कीजिए। आपके जितने घटक दल हैं, अब अजीत पवार जी के बारे में आपने कहा भ्रष्टाचार के, अब यह बात अच्छी है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने से, जिसका आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वहां जाने से वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। परिवारवाद में आपने कहा देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी, उनके पुत्र जय शाह जी इतने बड़े क्रिकेटर है कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाते हैं, तो आप ये नहीं बोलिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि आपने सवाल बिहार के बारे में पूछा, लालू जी करप्ट है कि नहीं है, सुनिए लालू जी करप्ट है कि नहीं है। चलिए, आपने अजीत पवार पे बोल दिया, ठीक है, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? लालू जी करप्ट है कि नहीं है? आया बिहार में लालू जी करप्ट है के पर में जो परेशानी आई उसके पीछे चेहरा कौन सा पता है? आपके भाजपा के नेता जिनको हमने गिरफ्तार किया, आपको अश्विनी चौबे के बेटे को 2019 बता रहे हैं, 2017 में रामनवमी के पर्व में दंगा फैलाने के केस में उनको सलाखों के पीछे किया। ये आप तो उस समय हमारे साथ थे गठबंधन में, हम दंगा फैला रहे थे तो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा? इसीलिए तो किया, तोड़ा हमने।
आपकी जो चेहरे थी, चाल और चरित्र था तुष्टिकरण से लेकर के सहयोगी दल के पीठ पे छुरा भोंकने का, यही चेहरा बेनकाब हमने किया है और इसी कारण से हमने आपका गठबंधन तोड़ा है कि आपने देश में जो वादा किया रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार तो आप नहीं दे पाए, आपने शिक्षकों की बहाली कितने की केंद्र लेवल पे, आप वहां नहीं बोलेंगे, आपने रोजगार, आपने किसानों की आय दुगनी नहीं की, आप वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन जो छुट्टियों की बात हो रही है, अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं अशोक जी, मैं बताती हूँ। केंद्रीय विद्यालय आपको जानकारी होगी, एक सेकंड, आपने कहा गठबंधन दंगा करने के लिए तोड़ा ना, एक सेकंड सुन तो लीजिए, गठबंधन दंगाइयों के, अरे आपने सवाल पूछा, सुनिए ना मैम, मैडम सुन लीजिए ना, मैडम सुन लीजिए एक सेकंड, अनुप्रिया जी आप ही से चर्चा हो रही है, अभी आपने कहा, एक सेकंड, आपने कहा कि गठबंधन दंगा करने के लिए छोड़ा आपने, तो बता दीजिए, ठीक है तो भागलपुर के दंगे में कौन जिम्मेदार था, ये बताइए, भागलपुर के दंगे में कौन जिम्मेदार था, भागलपुर के दंगे में कौन जिम्मेदार था, ओके, अनुप्रिया जी विषय पर, अनुप्रिया जी विषय पर आना चाहती है ना, अनुप्रिया जी विषय पर आए, चलिए, हाँ बोलिए। केंद्रीय विद्यालय जो आप देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय की अगर छुट्टी की बात आप करते हैं अशोक जी, और IIT एम्स की बात कर लूं मैं, जितने भी शैक्षणिक संस्था हैं, आप वहां छुट्टियों की बात अगर कहते हैं, अगर धार्मिक परिवेश से वो देखना चाहते हैं बीजेपी के नेता धार्मिक छुट्टी की बात, आप वहां भी देखिए रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है कहीं पे। आप छठ को जितना हम फिर कह रहे हैं कि बिहार की छठ की जो बात हो रही है, जिसको केंद्रीय, मुझे लगता है कि आप केंद्रीय की बात कर रही है, एक मिनट, आप एम्स की बात कर रही है, नहीं, प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ दिवाली में भी अशोक श्रीवास्तव यहाँ बैठ के डिबेट करता है, उनकी छुट्टी नहीं होती, आप मेडिकल स्टूडेंट, चौथी पांचवी के बच्चों की छुट्टी, आप मेडिकल स्टूडेंट गलत है, ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, ये डिबेट को भटकाना है, ये मत करिए प्लीज, अब आप विषय पर रहिए, डिबेट को भटकाइए मत, हाँ बोलिए। मैं एक बिहारी होने के नाते मैं जो रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, और मेरी बातों को आपने फिर पुरानी होने दिया, मैं कह रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय किसी तरह के प्रोफेशनल कोर्स को नहीं चलाता है, वो स्कूल संस्था स्कूल चलाती है, वो वहां पे तो 1 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां की छुट्टियों की बात की। मैंने कहा कि छठ पर्व के बारे में, जिसको आपने कहा कि विदेश में मनाया जाता है, लेकिन दुखद यह है कि केंद्र की सरकार जो है उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में या राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में उसको छुट्टी नहीं देती है, आप तो आप ही नहीं मान रहे उसको पर्व, आप सुन लीजिए, आप ही नहीं मान रहे, आप केंद्र से क्या उम्मीद कर रही हैं, छुट्टी में कटौती नहीं हुई अशोक जी, आपको समझने की जरूरत है, बिहारी कल्चर को आपको नहीं पता है कि दीपावली के छठे दिन छठ होता है, अरे बिहारी कल्चर मुझे नहीं पता, लेकिन उन शिक्षकों को क्या कहेंगे, जरा मेरा अपने एक मिनट, बिहारी कल्चर मुझे नहीं पता, जरा मैं अपनी टीम से कहूंगा, जरा बिहार के जो तमाम शिक्षक की बाइट है, जरा निकालिए एक बार, अनुप्रिया जी को सुना दीजिए कि बिहार के शिक्षक क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार के कल्चर मुझे नहीं पता होगा, शहजाद जी को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन शिक्षकों को तो पता होगा ना, संजय सराफ जी आप जानते हैं बिहार का कल्चर क्या, वो कह रही हमें नहीं पता बिहार का कल्चर, मैंने तो आपको ये भी बताया अमेरिका में भी लोग मनाते हैं, कि देश की सरकार को भी छुट्टी देनी चाहिए छठ की, अरे तो आप छुट्टियों की देखिए हम तो छुट्टी छठ की काटे ही नहीं है, फिर आप कह रहे हैं दीपावली से शिक्षकों को सुनवा दीजिए भाई, जरा शिक्षकों को सुनवा दीजिए, बोलिए सुन लेंगे, ऐसा है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा, अभी मैं आपको, आप भी सुनिएगा, सुनिए आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा, मैं आपको बड़ी विचित्र स्थिति है कि जहां का पर्व है वहां पर छुट्टियों को आधे से ज्यादा काटकर देश में उसको मनाया जाए, ये हम लोग कहना चाहते हैं, मतलब अपने यहां तो फिर आप बता दीजिए कि आज जो काटा है वो गलत है, मतलब अपने यहां पर काट कर वो कह रहे हैं कि ये देश में होना चाहिए, तो यही दोहरा मापदंड है, और मैंने आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे, एक सेकेंड नहीं अनुप्रिया जी, मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैंने आपसे पूछा कि पूरे अलायंस का चरित्र ऐसा है क्या, मौर्य जी का बयान, IUML का बयान, बयान कांग्रेस पार्टी का, एक को बयान पर आपका स्टैंड नहीं है,
और बाकी सब तो छोड़िए, पीएफआई पर प्रतिबंध लगता है तो उसकी भी पैरवी करने आरजेडी आ जाती है। ओके, अब ये क्या है, ये तुष्टिकरण है या नहीं है? एक मिनट मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ डिग्री की डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। डिग्री मैं तो, और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, डिग्रियां किसी के ज्ञान का पैमाना नहीं होती, ठीक है ना, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा ज्ञान है कि जीडीपी में बिहार नंबर दो पर है। ये जो मुझे अगर मुझे कोई ये ज्ञान बता दे कि ये ज्ञान कहां से आया है कि बिहार जीडीपी में देश में नंबर दो पर है, तो ये कोई सवाल डिग्री का नहीं है, ये ज्ञान का है। ये ज्ञान जो है बिहार के मंत्रियों का ज्ञान है, बिहार के ये तेजस्वी यादव जी का ज्ञान है। अगर मुझे आरजेडी और जेडीयू का कोई भी प्रवक्ता बता दे ये ज्ञान कहां से मिला कि बिहार जो है जीडीपी में नंबर दो पर है देश में, तो मैं फिर कहूंगा कि भाई उनको बहुत बड़ा ज्ञान है, सब ज्ञान है। लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, उस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन, तिनक दिन दिन, तिनक दिन तुम जाना दिन, दिन। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में हम छुट्टियों की छुट्टी जो बिहार में हुई है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। स्कूलों में जो छुट्टी पर जो पूरा सवाल उठा उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि डिबेट आगे बढ़ाओ, मैं बिहार के शिक्षकों को भी सुनवाऊंगा, लेकिन बिहार के शिक्षकों से पहले मैं अभी, क्योंकि यहां पर डिबेट हो रही थी, संजय सराफ जी ने सवाल उठाया और अनुप्रिया जी ने उसका जवाब दिया बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। अनुप्रिया जी ने कहा कोई भी आ सकता है और वहां जांच कर सकता है। तो मैंने अभी ब्रेक में सिर्फ एक शिक्षा, एक मैंने कीवर्ड डाला, मैंने गूगल पे, आप भी डालिएगा तो आपके सामने वो खबरें आ जाएंगी। मैंने डाला बिहार में शिक्षा, ये मैंने कीवर्ड डाला। मेरे सामने जो खबरें खुली हैं, देश का जो अपने आप को नंबर वन चैनल कहता है उसकी एक खबर है, एक दिन पहले की, पुरानी खबर नहीं है, एक दिन पहले की। उसका शीर्षक क्या है? बदहाल शिक्षा, खंडहर से कम नहीं है बिहार के ये स्कूल, सुनने वाला कोई नहीं। ये एक दिन पुरानी खबर है। अगली खबर जो 5 दिन पुरानी है वो क्या कहती है? बिहार की प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा है दीमक लगा खंडहर, जमीनी रिपोर्ट। ये एक दूसरी रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट सुनाता हूं, ये 2 हफ्ते पुरानी है। बिहार में सरकारी स्कूलों से क्यों गायब रहते हैं छात्र? एक और रिपोर्ट बताता हूं। ये सारी वो जो टॉप पर है, मैं इनको सर्च करने नहीं गया, सिर्फ कीवर्ड डाला था, मेरे सामने है। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, गूंगी बहरी है सरकार, नहीं है जनता पर ध्यान। और एक लास्ट खबर और सुना देता हूं, बिहार जर्जर हालात में शिक्षा व्यवस्था, रजिस्टरों में उपस्थित बच्चे स्कूलों से गायब। ये तमाम रिपोर्ट मैंने सिर्फ एक कीवर्ड डाला, बिहार में शिक्षा, उसके बाद ये सारी खबरें मेरे सामने खुलकर आई हैं। तो मैं इस पर, मुझे नहीं लगता कि इस पर मेरे जाके जमीनी रिपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले अनुप्रिया जी आप ही के पास आऊंगा, जरा शिक्षकों को सुन लेते हैं उन्होंने दरअसल क्या कहा था, क्योंकि मैं बिहार का संस्कृति नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है बिहार में जो बच्चों को संस्कृति और संस्कार दे रहे हैं वो शिक्षक तो जानते हैं ना। जरा सुन लीजिए शिक्षक क्या कह रहे हैं। रही हम लोग के साथ बहुत ज्यादा, इसमें विचार क्या देना है, ये तो सब जान रहे हैं, ये सब दुखी ही होते हैं इससे। और सबसे तो कि दीपावली की छुट्टी, छठ जैसे महापर्व में एक दिन संडे है और एक दिन छुट्टी दे रहा है, दीपावली संडे पर रहा है, उसको भी छुट्टी में लिखा हुआ है लिस्ट में, तो ये तो संडे है तो हम लोग की छुट्टी तो वैसे भी। महिलाओं का जो पर्व त्योहार है ना, उस महिला शिक्षक भी, हाँ महिला, जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, निर्जला पर्व होता है छठ, तो वहाँ पर कहे कि शहरी विद्यालय में महिलाओं की संख्या 50% से ज़्यादा होती है, और वैसी स्थिति में अगर महिलाएं छुट्टी लेकर के छठ पर्व मनाएंगी तो फिर लोड तो पड़ेगा। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षाबंधन का छुट्टी को स्थगित कर दिया गया है। दीपावली, दशहरा, छठ, तो क्या छठ का व्रत रख के हम लोग स्कूल आएंगे? तो इससे हम लोग बहुत मतलब दुखी हैं। और रहा छुट्टी का सवाल, तो सामान्य रूप से रखा जाए, सारे मुस्लिम का त्यौहार में तो छुट्टी की कटौती नहीं हुई है, फिर हिंदुओं के त्यौहार में छुट्टी की कटौती क्यों गई?
चलिए अनुप्रिया जी, मुझे बिहार की संस्कृति नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बिहार में जो बच्चों को संस्कार और शिक्षा दे रहे हैं उनको तो बिहार की संस्कृति पता ही होगी और उनको आपने सुन लिया। अशोक जी, आपने उसको कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब सवाल पूछेंगे, आपने गूगल जरूर किया, लेकन आपने के पाठक जी का सुन लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने साउंड बाइट पूर्वाग्रह से निकाले, ये साउंड बाइट देश की तो नंबर वन एजेंसी, न्यूज एजेंसी है जो सब चैनल को देती है। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था, मैं रिपोर्ट लेने नहीं गया था। नहीं संजय, सुनिए ना अशोक जी, मैंने कहा कि आपने वर्तमान में कुछ दिनों पहले बिहार के ब्रेकिंग को ये चलाया आपने, नहीं है कि के पाठक जी ने किया कानून शिक्षा व्यवस्था में दुरुस्त, क्योंकि आप शिक्षक, आप कर लीजिए गूगल, आप मैंने एक दिन पहले की खबर बताई आपको। नहीं, मैं बता एक दिन पहले की पुष्टि करने से शिक्षकों की अब 100% हाजिरी है, कई शिक्षकों की वेतन काटे गए हैं, बच्चे नहीं है स्कूल में, खंडर है स्कूल, ये रिपोर्ट कहती है, बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट कहती है खंडर स्कूल है, बच्चे ही नहीं है रजिस्टर में, बच्चे दिखाए जाते हैं। श्रीवास्तव जी, तभी मैंने 27 जून 2023 का स्कूलों को ठीक किया जाए, उसके बाद में इन सब चीजों पर बात होगी। सुन लीजिए, अब आप बात बोल रहे हैं कि मैं कह रही हूँ फिर से कि आपने के पाठक जी का आपने कार्रवाई नहीं देखा। दूसरा, आपने के पाठक जी ने, अगर के पाठक जी ने वहाँ क्रांति कर दी, मुझे नहीं पता, और अगर के पाठक जी ने क्रांति कर दी तो वो रिजल्ट में दिख जाएगा, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन के पाठक जी की क्रांति ये दिख रही है। मेरे पास समय कम है, शहजाद जी, के पाठक जी ने क्रांति कर दिया, मुझे तो पता नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने चंद्रमा पे किया, वहां पे चंद्रमा बता दी। अरे अरे फिर अरे नित्यानंद आप मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दे देते हैं किस तरह से बिहार नंबर टू पर है, मुझे बता दीजिए अपने मंत्री का। देखिए एक एक करके सबकी आवाज, एक ही वाक्य, बाकी एक एक करके सब एक ही वाक्य कहूंगा। मुझे आखिरी कमेंट, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, कम से कम आज अशोक जी, एक मिनट आ रहा हूँ, रुकिए एक मिनट शहजाद जी। देखिए कम से कम आज जो ये के पाठक जी का हवाला दे रही है, मतलब कि नीतीश जी से कुछ नहीं हो पाया इतने वर्षों सीएम रहे, मतलब वो स्वीकार रही है कि नीतीश जी फेल रहे, तो एक के पाठक जी को आना पड़ा। अनुप्रिया जी, कम से कम इस प्रकार का अन्याय आप अपने नेता के साथ ना करें। ओके ओके, चलिए सुबोध जी बोलिए आखिरी, सुबोध जी बोलिए, अनुप्रिया जी रुक जाइए, अनुप्रिया जी रुक जाइए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप उस सरकार को क्यों आज क्यों कोस रही है, उस सरकार को, वो सरकार खराब थी। अशोक जी, अभी आपने बोला कि बिहार दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कैसे है, आप ये बताइए। अगर आप देखिएगा टॉप थ्री स्टेट पिछले एक साल का 22-23 का जीडीपी ग्रोथ में, तो बिहार नंबर वन है। आपको प्रणाम सर, आपको प्रणाम सर, अगर जीडीपी में बिहार नंबर टू पर है तो मैं आपको चरण, आपके चरणों को छूकर प्रणाम करता हूं सर, आपको प्रणाम, आपके ज्ञान को प्रणाम सर, सर आपको प्रणाम, आपके ज्ञान को प्रणाम और तेजस्वी जी के ज्ञान को प्रणाम, बिहार नंबर टू है जीडीपी में, भगवान करे आपको प्रणाम करता हूँ सर। संजय सराफ जी, आपका आखिरी कमेंट, संजय सराफ जी सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, संजय जी का आखिरी कमेंट, संजय जी मैं इनको प्रणाम कर चुका, मैं इनके ज्ञान को प्रणाम कर चुका, बोलिए संजय जी। जगदीश बाबू से पूछा जाएगा, वो वहां से बोलेंगे अरे क्या है जी, मेरे को क्या पता है जी, क्या है जी, उनका लास्ट कमेंट मेरा, अरे क्या है जी, कैसे हो गया जी, मेरे को क्या पता है जी, कौन बोला है जी, ओके ये क्या होता है जी, ओके ये सब श्रीवास्तव जी, ये सब हमारे बिहार प्रदेश के युवाओं के साथ, यूथ के साथ और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यही माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है बच्चों के बीच। ओके सर, मेरे पास समय इतना है, मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी ने इस डिबेट में कम से कम एक बात जो स्वीकार करी, उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं शायद सरकार को भी लगता है कि चूक हो गई है, और चूक क्या बल्कि ब्लंडर हो गया है। तो उम्मीद करूंगा अगर बिहार सरकार में ब्लंडर हुआ है, ब्लंडर कर दिया है, तो कम से कम अपनी जिद या अपनी अकड़ में ना रहे, अपनी गलती को स्वीकार करे और इस कैलेंडर को ठीक कर दे, तो मुझे लगता है विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए, कल आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार।